रतन जी आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है 2024 के पहले, G20 के पहले। कलीमुल आप साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं नहीं, अर्जुन आनंद से बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं इनसे एक सवाल ले लेता हूं फिर और आपके पास। यहां बैठे लोग जिनको आपको पानी को घी डाल रहे, आग को घी रहे, ऐसे लोग यहाँ बैठे है, इनको अच्छा लगता है 2002 को भुनाया, भुना नहीं पाए, ठीक है। एक सेकंड कलीमुल हाफिज जी, मैं आ रहा हूँ। अर्जुन आनंद, आप लोगों ने कैंपस में इसकी स्क्रीनिंग का विरोध किया था, क्या वजह क्या थी? जी हमने वैसा कोई विरोध पर्टिकुलरली नहीं किया था, हमारा यही था कि ये करवा लें, क्योंकि इलीगली है, डॉक्यूमेंट्री बैंड थी, प्रशासन ने बोला था कि नहीं करना है, फिर भी मात्र कैंपस का माहौल बिगाड़ने के लिए, मात्र जेएनयू का नाम बिगाड़ने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और ये पहले से ही ऐसा करते आए हैं, जितने भी इनके चिट्ठे खुलेंगे ये यहीं पे हमेशा से, 2010 में सीआरपीएफ के जब 76 जान शहीद हुए थे, बलिदान हुए थे, तब ये लोग जेएनयू में जश्न मना रहे थे। 2016 में अफजल हम शर्मिंदा है के नारे इन्होंने लगाए, कल रात को भी जेएनयू में इन्होंने आजादी आजादी के नारे लगाए हैं। तो सिर्फ जेएनयू का नाम खराब करने के लिए, सिर्फ जेएनयू को बदनाम करने के लिए, जेएनयू का देश की छवि बिगाड़ने के लिए, देश की छवि बिगाड़ने के लिए, G20 के बिल्कुल पहले 2024 करीब है, 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कलीमुल हाफिज कुछ कहना चाह रहे हैं? कलीमुल हाफिज जी देखिए, मैं रतन शादा साहब से ये कह रहा हूं कि मोदी जी की आप छवि को बचाने के लिए आप सच्चाई से नहीं भाग सकते। आज ही हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आई है जिसमें मोदी जी के मित्र ने किस तरीके से पूरे इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज को मैनिपुलेट किया है, पूरी डिटेल रिपोर्ट है, क्या उसे भी बैन करेंगे आप? दूसरा, गॉडसे पे फिल्म बन रही है जिसमें मेरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की, जो पहला आतंकवादी था आजाद हिंदुस्तान का, उस पर भी फिल्म बन रही है, क्या उसको भी बैन करेंगे? अरे कब तक आप सच से भागेंगे? आपको सच का सामना करना ही पड़ेगा। आप बीबीसी का हम कोई पक्ष नहीं कर रहे, बीबीसी की भी तारीफ उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते थे। नरेंद्र मोदी जी बाकायदा भारत सरकार का मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि देश की जनता को, देश के जो चैनल हैं, चाहे दूरदर्शन हो, आकाशवाणी हो, इस पर कोई भरोसा नहीं है, सब सिर्फ देश की जनता को बीबीसी पे भरोसा है। तो आज उस बीबीसी में कलीमुल हाफिज जी आ रही है, सच्चाई का आपको सामना करना चाहिए। ठीक है, रतन शारदा जी इस पर जवाब दे रहे हैं, उसके बाद अमृताज मैं आपके पास आ रहा हूँ। रतन शारदा, छोटी सी बात मैं बता दूं, ये जो बार बार प्रोपेगेंडा करते हैं, हजारों मुसलमान मारे गए, पहली बात गुजरात के दंगे 59 मुसलमान हिंदुओं को, तीर्थयात्रियों को जलाया गया बंद करके बोगी में, इनके साथियों ने कहा, एक जस्टिस बिठाया उसके, लालू यादव ने कहा, लोगों ने अंदर से दरवाजे बंद करके खुद को आग लगा ली थी। इतने विभत्स इनके दिमाग है, और उसके कारण जो रिएक्शन हुआ, दंगा हुआ, और दंगे के अंदर 1100 से 1200 लोग मरे जिसमें 300 से ऊपर हिंदू थे, ध्यान दें। और मात्र गुजरात के अंदर दंगों के बाद में पुलिस इंक्वायरी हुई, लोगों को जेल हुई, लोगों को सजाएं हुई, और कहीं बता दें दिल्ली के अंदर, जबलपुर के अंदर और यूपी के अंदर दंगे में किसी को सजा दिला सकी कांग्रेस? 1984 के दंगे, उससे 84 पर स्पीकर नरसिम्हा, किसने न्याय दिलाया? इसी मोदी ने न्याय दिलाया। तो झूठ बोलना बंद करें। कलीमुल हाफिज जी, आप लोगों को आज अनिल एंटनी के ट्वीट से भी कुछ सीखना चाहिए, उनके ट्वीट से भी कुछ पूछता नहीं है। रतन शारदा जी ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ, कलीमुल हाफिज जी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन आज अनिल एंटनी जो ट्वीट किया, मैं उनके ट्वीट का समर्थन करता हूँ, और उन्होंने जो ट्वीट किया उसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि बाहरी साजिश कामयाब नहीं होगी, आपस में सियासी मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन बाहरी लोग इसका फायदा ना उठाएं। और अनिल एंटनी कौन है आपको पता है? कांग्रेस के बड़े नेता, आज उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन भी कर दिया। अमृत राज्य के पास जा रहा हूं मैं। अमृत राज्य आप कुछ कहना चाह रहे थे, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करनी है, वो उनके सारे, कोई अगर देश विरोधी गतिविधियों को कह दे कि ये देश विरोधी है तो वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहता है। अमृत राज कुछ कह रहे हैं? अच्छी बात है। अमृत राज स्क्रीनिंग पर कहिएगा और डॉक्यूमेंट्री पर आइएगा, दुनिया जमाने के पॉलिटिकल इश्यूज पर मत जाइए आप। हाँ, हाँ मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट्री में आपने देखा बीबीसी इंडिया में फंक्शन कर रहा है, किसने परमिशन दिया है? सर मैं कह रहा हूँ उस डॉक्यूमेंट्री में क्या है, मैं कह रहा हूँ कि एहसान जाफरी जो, एक सेकंड सर, एहसान जाफरी, एक सेकंड, तीसरा सीधा सवाल मत कीजिए, आप बताइए उस डॉक्यूमेंट्री में क्या है? उस डॉक्यूमेंट्री में क्या है? नहीं 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 मेंबर ऑफ कमेंट्री में क्या है, क्यों दिखाना चाहते थे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको किसने मारा था? अमृत राज जी मेरा सवाल आप सुनते नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसने मारा? अरे मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए उस डॉक्यूमेंट्री में क्या है, आप क्यों दिखाना चाहते थे, आपका मकसद क्या था? फ्री का घर आप उसकी स्क्रीनिंग क्यों कराना चाहते थे? मकसद ये था कि आप बताइए, अभी आप राजनेता मत बनिए, सुनिए, नेतागिरी बाद में कीजिएगा, अभी मुझे बताइए आपका मकसद क्या था? बीजेपी के, ठीक है ठीक है, अमृत राज जी आप बताइए आपके डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग का मकसद क्या था? अटल बिहारी वाजपेयी, एक सेकंड
अरे सर आप शब्दकोश लेकर बैठ गए, आप मुझे बताइए आप डॉक्यूमेंट्री की, नरेंद्र मोदी आप डॉक्यूमेंट्री देखे हैं तो पहले आप और डॉक्यूमेंट्री देखे हैं, एक सेकंड, नरेंद्र मोदी उस समय स्टेट के सीएम थे और प्राइम मिनिस्टर ने बोला करगिल वॉर पर डॉक्यूमेंट्री बनी आपने स्क्रीनिंग कराई, पालन करना, एक सेकंड मुझे जवाब दीजिए, वही चीज भारतीय आर्मी माइनस 40 डिग्री में सीमा पर, मेरी बात सुनिए पहले, आप सीमा पर पहरा देती है, इस पर डॉक्यूमेंट्री बनी आपने स्क्रीनिंग कराई, आर्मी को तो रेपिस्ट कहते हैं ये, कराई उसके लिए क्या सम्मान है हमारे भाई लोग, एक सेकंड, नहीं नहीं उसकी डॉक्यूमेंट्री दिखाई आपने छात्रों को, अपने मित्रों को, लिंक शेयर करा, सुरक्षा करते हैं, एक सेकंड, हाँ तो उसकी डॉक्यूमेंट्री दिखाई, देश की सुरक्षा करते हैं तो किया, हमारे कब दिखाई, चचेरे भाई, हमारे चचेरे भाई माइनस 40 डिग्री में काम करते हैं, कौन सी डॉक्यूमेंट्री दिखाई, चचेरे भाई माइनस 40 डिग्री में, ठीक है, कौन सी डॉक्यूमेंट्री दिखाई उनके सम्मान में, आपके चचेरे भाई के सम्मान में जो देश के जवान है, अरे सर सुनिए तो पहले, कौन सी डॉक्यूमेंट्री दिखाई, वो माइनस 40 डिग्री में सम्मान करते हैं, लेकिन सुनिए, सेवा जो है आप बात कर रहे हैं कि देश का सुरक्षा, मैं कह रहा हूँ हम लोग देश, आप बताइए ना कि इस देश के जवानों के सम्मान में लास्ट डॉक्यूमेंट्री कौन सी स्क्रीनिंग करवाई थी जेएनयू के अंदर, ये आरएसएस के लोग, आप आ गए आरएसएस बीजेपी पर, सर आरएसएस के लोग गलवारकर सावरकर, आप मुझे फिर आप इधर आ गए, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, हम लोग असली देशभक्त है, इसीलिए साल 2010 में जवानों की शहादत पर जश्न मनाया गया वो असली देशभक्ति है, किसने मारा, 2014 में महिषासुर बलिदान दिवस मनाया गया वो असली देशभक्ति है, देश के टुकड़े टुकड़े नारे लगाए गए असली देशभक्ति है, झूठा खबर है ये, झूठा खबर है, ठीक है झूठा खबर है, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।